हाँ तो दोस्तों, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वार्टर टू के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको क्लीन साइंस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 4% से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं और 153 करोड़ पे ये नंबर निकल कर आया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सिक्वेंशियल बेसिस पे रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये 1% से गिरी है और 53 करोड़ पे कंपनी के टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में आए हैं। देखा जाए तो मार्केट को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया है कि मार्केट कम से कम यहां पे 5 से 6% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा था। अगर हम यहां पे ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 9% से बढ़ा है। तो यहां पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9% का जो रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर है मेरे ख्याल से रीजनेबली गुड है। लेकिन यहां पर भी जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर है ये 1% से गिरा है और 53 करोड़ पे ये नंबर निकल कर आया है। तो देखा जाए तो मार्केट यहां पे जो रेवेन्यू बढ़ा तो मार्केट यहां पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो भी कंपनी का बढ़ेगा, लेकिन वो यहां पे नहीं हुआ है। तो इसीलिए मार्केट थोड़ा यहां पे जो रिजल्ट आए हैं उससे यहां पे डिसअपॉइंट हुआ है। लेकिन देखिए मेरे ख्याल से जो कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो वो थोड़े से ज़्यादा हुए हैं तो उससे ये फर्क पड़ा है। लेकिन अगर हम देखेंगे लगभग अभी भी जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है और जिसकी वजह से ये कंपनी को इतना हाई वैल्यूएशन मिल रहा है तो वो अभी भी 35% पे आता है। देखा जाए तो 35% का अगर जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है ये काफ़ी सही है। ये अगर कंपनी मेंटेन रखती है तो मेरे ख्याल से कोई इश्यूज यहाँ पे नहीं होंगे। अब देखिए लगभग 22,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जो भी 6 महीने की कंपनी की अर्निंग्स है उसके हिसाब से कंपनी का 10 रुपये का EPS होता है। तो आने वाले 6 महीने में अगर कंपनी सेम अर्निंग्स रिपोर्ट करती है तो कंपनी का पूरा EPS हो जाएगा 20 रुपी। तो अभी लगभग स्टॉक 2,000 रुपये के लगभग ट्रेड हो रहा है। तो देखा जाए तो 100 के पी पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। तो देखिए जो मार्जिन इस कंपनी के हैं तो उसके हिसाब से मार्केट इसे थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि थोड़े ओवर वैल्यूएशन पे ये स्टॉक हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए जिस तरीके से मतलब पिछले 4 साल से लगातार एक्सपोनेंशियली यहाँ पे कंपनी की अर्निंग्स बढ़ी है और जो प्रॉफिट वाला नंबर है ये पिछले 4 साल से लगातार हमें अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मेन बात ये कि पिछला साल जो इतना फिनोमिनल ईयर कंपनी के लिए रहा है तो उसके बाद फिर भी हमें रेवेन्यू ग्रोथ 9% का देखने को मिल रहा है और जो प्रॉफिटेबिलिटी वो कॉन्स्टेंट है, कुछ ज़्यादा चेंज हमें देखने को नहीं मिला है। 54 करोड़ का पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को प्रॉफिट हुआ था और अब वो नंबर हुआ है 53 करोड़ पे, यानी कि 1 करोड़ से ये नंबर हमें कम होता हुआ नजर आया है। अब ये देखिए 2021 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, लगभग 3% ये स्टॉक डाउन है और आज मार्केट भी थोड़ा करेक्शन मोड में, तो यहाँ पर हमें भी थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए मेरे ख्याल से जो नंबर्स यहाँ पर आए हैं तो ये जो स्टॉक है यहाँ पे शॉर्ट टर्म में थोड़ा सेलिंग प्रेशर हमें इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। लेकिन देखा जाए तो अराउंड अगर हम देखेंगे तो लगभग 2300 का इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई है। तो अगर देखा जाए तो लगभग 15% का करेक्शन ऑलरेडी इसके ऑल टाइम हाई से हो चुका है और अगर मुझे लगता है 5 से 6% का करेक्शन हमें और यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो देखा जाए शॉर्ट टर्म के लिए जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बाय करना चाह रहे थे उन्हें यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अभी तक इस स्टॉक को नहीं खरीदा है तो मेरे ख्याल से अगर मार्केट थोड़ा नेगेटिव वे में लेता है तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पर है अगर 4 से 5% ये स्टॉक करेक्ट करता है। तो दोस्तों में मेरे ख्याल ये नंबर्स अच्छे हैं, जो मेन जो नेट प्रॉफिट मार्जिन का नंबर है ये काफी अच्छा मुझे यहां पे इस कंपनी में नजर आता है। और देखिए कुछ नए नए प्रोडक्ट कंपनी R&D पे कंपनी इन्वेस्ट कर रही है तो उसकी वजह से ये आपको एक लॉन्गर होराइजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज आपको बेनिफिट करेगी। शॉर्ट टर्म में ये जो नंबर्स है इसके बेसिस पे थोड़ा स्टॉक प्राइस यहां पे वोलेटाइल हो सकता है। दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वार्टर 2 के नंबर्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।